विवाद मामले में फैसला सुनाने वाले जजों को मिली धमकियां। वकील उमापति को मिला सोशल मीडिया पर वीडियो। वीडियो में कहा हम जानते हैं, चीफ जस्टिस मॉर्निंग वॉक के लिए कहा जाते हैं। केरल में फुटबॉल मैच के दौरान हुआ बड़ा हादसा, फुटबॉल स्टेडियम की गैलरी गिरने से 200 लोग घायल। गैलरी पर 2000 से ज्यादा लोग थे मौजूद। मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का बयान, कहा कांग्रेस इटली की मानसिकता पर चल रही। कई और मुद्दों पर कांग्रेस को किया। कांकेर में नक्सलियों का खूनी खेल जारी, मुखबिरी के शक में युवक को तारा मौत के घाट, मृतक के ऊपर नक्सलियों ने छोड़ा पर्चा। और विदिशा के लटेरी में जानवरों के खेत में घुस जाने को लेकर विवाद, दोनों पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज, 11 गिरफ्तार, दोनों पक्षों पर हुआ मामला दर्ज। नमस्कार, मैं हूं क्रांति प्रिया, आप देख रहे हैं खबर भारत। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। सबसे पहली खबर जो है हिजाब विवाद मामले को लेकर, जहां फैसला सुनाने वाले जजों को अब धमकियां मिलनी शुरू हो गई। जी हां, इनमें हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी भी शामिल हैं। कर्नाटक हाईकोर्ट के वकील उमापति को सोशल मीडिया पर एक वीडियो मिला था। इस वीडियो में कहा जा रहा है कि हम जानते हैं चीफ जस्टिस मॉर्निंग वॉक के लिए कहां जाते हैं। वकील ने रजिस्ट्रार को चिट्ठी लिखकर इसकी जानकारी दे दी है। बता दें कि पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। केरल में फुटबॉल मैच के दौरान हादसा हो गया। बता दें कि मलप्पुरम जिले के वंदूर में फुटबॉल स्टेडियम की गैलरी गिर गई, इसमें करीब 200 लोग घायल हो गए, इसमें से 5 लोग गंभीर बताए जा रहे हैं। हादसा उस वक्त हुआ जब गैलरी पर 2000 से ज्यादा लोग मैच देखने बैठे हुए थे। दो स्थानीय टीमों के बीच फाइनल मुकाबला देखने पहुंचे लोग एक साथ इस हादसे के शिकार हो गए। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है कि आयोजकों ने गैलरी पूरी तरह भर जाने के बाद भी दर्शकों के आने जाने पर रोक नहीं लगाई थी। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि ऑल इंडिया सेवेंस फुटबॉल टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला था, जो कि मलप्पुरम जिले का एक काफी प्रतिष्ठित फुटबॉल टूर्नामेंट माना जाता है। मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कई मुद्दों को लेकर बयान दिए हैं। उनका कहना है कि हमारी सरकार पर्यावरण और नदियों के संरक्षण बचाने के लिए कार्य कर रही है, तो वहीं राजस्थान में सालावर द्वार को गिराने को लेकर मंत्री ने कहा कांग्रेस इटली की मानसिकता पर चल रही है, कांग्रेस की विचारधारा हिंदू विरोधी है। आईएएस नियाज खान के ट्वीट पर भी चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि नियाज खान अपनी सीमाएं लांघ रहे हैं, वे फिरका परस्ती और अराजकता फैलाकर लाइमलाइट में आना चाहते हैं, ये उनके सर्विस रूल के खिलाफ। मैं आज ही कार्मिक विभाग को पत्र लिख रहा हूं कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। कांग्रेस तो इटली के मानसिकता पर चल रही है। सोनिया गांधी केवल और केवल इस देश में इटली का राज लाना चाहती है, और कांग्रेस की विचारधारा, कांग्रेस की पद्धति हिंदू विरोधी है। राम सेतु को तोड़ने का षड्यंत्र करने वाली कांग्रेस, अयोध्या में राम मंदिर ना बन सके इसके लिए षड्यंत्र करने वाली कांग्रेस से यही अपेक्षित है। परंतु इस तरह से कांग्रेस की सरकार ने जो राजस्थान में हरकत की है, ये इस देश में स्वीकार्य योग्य नहीं है। हम इसका विरोध भी करते हैं और निश्चित रूप से इसका खामियाजाना कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। कांग्रेस तो इटली के मानसिकता पर चल रही है। दो साल पहले 20 मार्च 2020 को कमलनाथ ने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दिया था। इसी के चलते कांग्रेस पूरे प्रदेश में तिरंगा यात्रा निकालकर इस दिन को लोकतंत्र सम्मान दिवस के रूप में मनाने जा रही है। इसी कड़ी में राजधानी भोपाल में भी प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर तिरंगा यात्रा निकाली गई। कांग्रेस की पैदल तिरंगा यात्रा पीसीसी से शुरू हुई, जिसका समापन बोर्ड ऑफिस चौराहे पर बाबा अम्बेडकर की प्रतिमा के समक्ष हुआ। इस यात्रा में पूर्व मंत्री पीसी शर्मा, सचिन यादव समेत तमाम कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज दो साल हो गए जब कमलनाथ जी की चुनी हुई सरकार को जनता के खरीद फरोख्त करके जी ने सौदे से सरकार को गिराया था और लोकतंत्र की हत्या हुई थी, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान का अपमान हुआ था, इसलिए उसके विरोध में ये पदयात्रा हमारी है कि जनता जाने कि सरकार जो जिसने दुख दिए हैं दो साल के अंदर, ये जितनी परेशान हुई है इन
दो साल में इतिहास तक नहीं। लाखों लोगों की जान गई कोरोना में, इंजेक्शन मिले नहीं, महंगाई सातवें आसमान पे, आज ही 5 रुपए दूध के भाव बढ़ गए, ये केवल महंगाई थोप रही जनता। बिजली के बड़े बड़े बिल, किसानों को जो है ऋण माफ़ी वो रोक दी, ये सब मामले दुखदायी हुए हैं। इन सब के विरोध में ये पदयात्रा। राजधानी भोपाल के अशोका गार्डन क्षेत्र में विशेष समुदाय की लड़की के साथ मारपीट का मामला सामने आया है, जिसके बाद लड़की के परिजन थाने पर इकट्ठा हो गए और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करने लगे। वहीं पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मारपीट का मामला सामने आया है, जो जिन लोगों ने मारपीट करी है उनको पुलिस ने पकड़ के हिरासत में लिया है। थोड़ा सा लोग आसपास बाहर निकल के घूम रहे हैं, उनको हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उनको सबको भेज दिया जाए। बाकी पुलिस बल यहाँ पे पहुँच चुका है, आप सबको आश्वस्त किया जाता है कि आप लोग सब अपने घर पे जाइए। जो भी आरोपी है इसके अलावा भी जिसने कुछ तोड़फोड़ करी है उनको तत्काल पकड़ के हम लोग कार्रवाई करेंगे। सर, इसमें सोशल मीडिया पे चल रहा है दो विशेष वर्गों में आपस में लड़ाई हो रही है, अब वो जो भी है, जो भी कानून कार्रवाई है जैसा आता है वो हम लोग करेंगे। इसमें अभी सबसे इम्पोर्टेंट अभी ये है कि आप लोग सब अपने अपने घरों पे जाइए, पुलिस को कंट्रोल करने दीजिए। पथराव जैसी घटनाएं भी हुई हैं, अभी ऐसा बता रहे हैं, पथराव जैसी घटनाएं हुई, हम स्पॉट पर ही हैं तो अभी देखते हैं। आपको बता दें, राजधानी भोपाल की एक घटना आपको बता रहे हैं, जहां एक विशेष समुदाय की लड़की के साथ मारपीट का ये मामला सामने आया है। अशोका गार्डन क्षेत्र की घटना बताई जा रही है, जहां ये मारपीट का मामला आया और इसके बाद लड़की के परिजन थाने में इकट्ठा हो गए, साथ ही और बहुत से लोग थे जिन्होंने इस पर कार्रवाई की मांग की थी आरोपियों के खिलाफ। पुलिस ने बिना देर किए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। लड़की के साथ मारपीट का मामला सामने आया, हम तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से थाने का घेराव किया, बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए और कार्रवाई की मांग करने लगे। आगे क्या हुआ, क्या था इसके कारण, हम जानेंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रदीप तलरेजा, सीनियर रिपोर्टर खबर भारत। प्रदीप, जिस तरह से घटना सामने आई, विशेष वर्ग की ये लड़की बताई जा रही है, क्या था पूरा मामला, किस बात को लेकर मारपीट की गई होगी? देखिए, पार्किंग को लेकर ये पूरा मामला जो था वो देखने में आया, जिसमें कि ये देखा गया कि महिला जो है बार बार पार्किंग करने वाले लोगों को बार बार मना कर रही थी, जो लोग है विशेष वर्ग के लोग हैं वो मानने को तैयार नहीं हो रहे थे। मामला काफी गंभीर होता हुआ देखा गया, क्योंकि कई बार महिलाओं के द्वारा उसको मना भी किया गया उन व्यक्तियों को, लेकिन किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं हो रही थी। जिसको लेकर के कल मारपीट की घटना जो है युवती के साथ घटित की गई, जिसके बाद विशेष वर्ग समुदाय के लोग जो है वो अशोका गार्डन थाने पहुंचे। यहाँ थाने में पहुंचकर उन्होंने जो है पहले तो गिरफ्तारी की बात कही। गिरफ्तारी के बाद ये कहा गया कि जो वर्ग विशेष के लोग हैं जिस प्रकार से ये गलत काम कर रहे हैं उन पर तुरंत कार्यवाही की जाए। ऐसा जो है वो महिला और उसके साथ जो लोग वहां पर पहुंचे थे उन्होंने थाने में नारेबाजी करते हुए बातों को उठाया है। बिल्कुल, क्या कहना है प्रभारी का? देखिए, लगातार जो ये पूरी बात निकल आई है, जब उस समय साई कृष्ण थोड़ा पहुंचे थे वहां पर, एडिशनल एसपी हैं वो वहां पे, उन्होंने कहा है कि जो भी मुकदमा मामला है उस मामले को संज्ञान में लिया गया है, जल्दी दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। चलिए, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया प्रदीप। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा सिलवानी की घटना पर घोर आपत्ति जताते हुए मध्य भारत प्रांत के सभी शासकीय जिलों पर ज्ञापन दिए जा रहे हैं। इसी कड़ी में भोपाल विभाग के द्वारा विश्व हिंदू परिषद के प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा, जिसमें मांग की गई है कि जो असामाजिक तत्वों के द्वारा जघन्य अपराध किए जा रहे हैं, अवैध तरीके से वनों को काटा जा रहा है, अवैध तरीके से भूमि पर कब्जा किया जा रहा है, उन पर जल्द से जल्द कठोर कार्रवाई की जाए, मध्य प्रदेश में घट रही घटनाओं पर अंकुश लगाया जाए। इस मौके पर विभिन्न प्रतिनिधि मंडल में विभाग मंत्री राजेश साहू, विभाग संयोजक दिनेश यादव, विभाग सहमंत्री यतीन सिंह जादौन, विभाग सह संयोजक मोहन सरदार, जिला मंत्री सोनू दुबे, मनीष कारा, जिला संयोजक अभिजीत सिंह राजपूत, नीरज प्रजापति, भूपेंद्र सिंह गुर्जर मौजूद रहे। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने सिलवानी की घटना पर घोर आपत्ति जताई है। हमारे मध्य भारत प्रांत के सभी शासकीय जिलों पर आज ज्ञापन का कार्यक्रम है। इसी निमित्त भोपाल विभाग द्वारा विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के प्रतिनिधि मंडल ने आज एसडीएम महोदय को ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम सौंपा है, जिसमें मांग की है कि जितने भी जो जघन्य अपराध किया है, जो असामाजिक तत्व हैं, जिहादी तत्व हैं, जो अवैध तरीके से वन को काट रहे हैं, अवैध तरीके से भूमि पर कब्जा कर रहे हैं, ऐसे लोगों पर शीघ्र अतिशीघ्र कठोर कार्रवाई किया, इनको नेस्ता नाबूद किया जाए।
और इनको कठोर दंड दिला जाए। और हमारे जो हिंदू वनवासी भाई है जिसमें एक मृत है और 32 घायल है गंभीर रूप से, उनको आर्थिक सहायता दी जाए और उन पर उनको उचित न्याय दिया जाए। और भोपाल मध्य प्रदेश में जो घटनाएं घट रही हैं उन पर तुरंत अंकुश लगा जाए। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने कांकेर में नक्सलियों का खूनी खेल जारी है। नक्सलियों ने मुखबिरी के अशक में युवक को मौत की घाट उतार दिया और उसके शव को बीच सड़क पर फेंक दिया। आपको बता दें कि कोयलीबेड़ा क्षेत्र में इस घटना को अंजाम दिया गया, जहां मृतक के ऊपर नक्सली एक पर्चा भी छोड़ गए। इसमें युवक को पुलिस का मुखबिर बताया गया है। वहीं इस पूरी घटना की जिम्मेदारी रावघाट एरिया कमेटी ने ऊपर ले ली है। आपको बता दें कांकेर की ये घटना है जहां एक युवक को इसलिए मार दिया नक्सलियों ने क्योंकि उन्हें लगा कि वो पुलिस का मुखबिर है, यानी सारी सूचनाएं वो यहां से वहां करता है। पूरी जानकारियां, नक्सलियों की गतिविधियों की पूरी जानकारियां पुलिस को मिल जाती हैं। ये काम होता है मुखबिर का। तो पुलिस का मुखबिर जानकर आखिरकार नक्सलियों ने एक युवक को मौत के घाट उतार दिया। और इस खबर पर कांकेर संवाददाता खबर भात के टोकेश्वर साहू से हम बात करेंगे। हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं टोकेश्वर। टोकेश्वर, ये युवक कहाँ का रहने वाला बताया गया है और पर्चे में और क्या खास बातें लिखी हुई है जो शव के ऊपर पड़ा मिला? जी, कहना चाहूंगा ये जो घटना है वो कोयलीबेड़ा थाना अंतर्गत का है और कोयलीबेड़ा से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी से ग्राम है। वहाँ जो मार्ग है कोयलीबेड़ा से करखनार जाने वाले मार्ग है, उस मार्ग में जो है नक्सलियों ने एक ग्रामीण को हत्या करके बीच सड़क पर डाल दिया था, देख दिया था और उसके ऊपर में पर्चा भी उन्होंने रख दिया था। और उस पर्चे में जो है इन्होंने उस ग्रामीण को पुलिस का मुखबिर बता आरोप लगाकर उसको मौत की सजा इन्होंने दिया था। जी, इस पर पुलिस का क्या कहना है? क्या वाकई उनका मुखबिर था ये युवक या फिर शक के आधार पर केवल एक ऐसे व्यक्ति की जान चली गई? नक्सलियों ने एक ऐसे व्यक्ति को मौत के घाट उतार दिया जिस पर सिर्फ शक था कि वो मुखबिर है। जी, बताना चाहूंगा जो थाना कोयलीबेड़ा थाना प्रभारी से मेरी बात हुई, उन्होंने बताया मुझे कि ये जो युवक है आसपास से पूछताछ जारी है, उनका पहचान भी नहीं हो पाया है और ये युवक कहाँ का रहने वाला है, क्या करता था, क्या अभी स्पष्ट इससे मतलब हो नहीं पाया है। और पुलिस जो है उस जांच कर रही है और पहचान उसकी पहचान के लिए क्या है नारायणपुर आसपास के जितने भी एरिया है वहाँ खंगार रही है। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया टोकेश्वर। मामला लटेरी थाना अंतर्गत ग्राम रामपुरा का है, जहां दो पक्षों में जानवरों की खेत में घुस जाने को लेकर विवाद हुआ और इसमें दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई। मारपीट में घायल हुए लोगों का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। एक पक्ष की ओर से 307 का मामला दर्ज किया गया है जिसमें 11 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है, तो वहीं दूसरे पक्ष की ओर से भी FIR दर्ज हो चुकी है। पुलिस ने दोनों पक्षों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। अंबिकापुर शहर स्वच्छता के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बना रहा है। स्वच्छता के लिए नगर निगम को कई अवार्ड भी मिल चुके हैं। वहीं शहरवासियों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिए पुष्पा फिल्म की तर्ज पर स्लोगन भी लिखे जा रहे हैं जिससे रहवासी स्वच्छता के प्रति जागरूक रहें। हीरो जो अच्छा परफॉर्म करते हैं और इसको हम आदर्श की तरह उपयोग करना चाहते हैं, तो अभी जो सबसे फेमस पिक्चर है पुष्पा, उसी के तर्ज पे अंबिकापुर ने भी एक स्लोगन अभी शुरू किया है कि मैं झुकेगा नहीं, मैं थुकेगा नहीं, लेकिन अगर कचरा देखेगा तो झुकेगा भी, डस्टबिन में कचरा डालेगा। तो कोई भी स्लोगन जो फेमस होता है तो उसको फेमस करने के लिए और उसको लोग अच्छे से कैचअप भी करते हैं, तो इस तरीके से हम स्वच्छता में हर तरीके से काम करना चाह रहे हैं। दमोह में पुलिस वालों पर मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। दरअसल पुलिस विभाग की ओर से होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया था जिसमें पुलिस विभाग के सभी वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। सभी ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की बधाइयां दी, जिसके बाद सभी DJ की धुन पर थिरकने भी वाले थे। इसी दौरान देखते ही देखते मधुमक्खियों के झुंड ने पुलिस वालों पर हमला कर दिया। हालांकि सभी ने इधर उधर भाग कर छिप कर मधुमक्खियों से अपनी जान बचाई।
रामदाह जलप्रपात में नहाने गए तीन युवकों में से एक का शव अभी भी बरामद नहीं हुआ है। बीते 22 घंटे से एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। आपको बता दें कि मानपुर से भरतपुर के रामदाह जलप्रपात पर तीन युवक पिकनिक मनाने गए थे, जहां तीनों युवक गहरे पानी में डूब गए। घटना की जानकारी लगते ही मौके पर पहुंची पुलिस और एनडीआरएफ की टीम ने दो युवकों के शव निकाल लिए हैं। बाकी एक युवक का शव अभी भी सर्च किया जा रहा है। नारकोटिक सेल में पदस्थ एएसआई विकास शर्मा पर कुछ लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया। इसमें शर्मा लहूलुहान हो गए। वहां से निकल रहे राहगीरों ने उन्हें पास के ही निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया, लेकिन उनकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस अज्ञात आरोपियों की तलाश में जुटी है। महासमुंद की खबर, जहां एएसआई पर देर रात जानलेवा हमला किया गया, उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया, उनकी हालत इतनी खराब थी, लेकिन फिलहाल संतुष्टि वाली खबर ये कि उनकी हालत में अभी सुधार है। वो काफी लहूलुहान हो गए थे, वहां से निकल रहे राहगीरों ने उनकी मदद की, उन्हें इस हाल में देखा तो तुरंत निजी अस्पताल में पहुंचाया। लेकिन ये जानकर हैरानी होगी कि कुछ देर पहले हमें जो खबर मिली थी उस पर स्पष्टीकरण ये आया है कि वेंटिलेटर पर उन्हें रखा गया था पर उनकी मौत हो गई। इस वक्त की हम आपको अपडेट दे रहे हैं कि वेंटिलेटर पर उन्हें रखा गया था, उनकी हालत जिस हिसाब से लहूलुहान वो हुए थे, राहगीरों ने उनकी मदद की लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका और खबर ये आई है कि उनकी मौत हो चुकी है। फिलहाल पुलिस अज्ञात आरोपियों की तलाश में जुटी है। महासमुंद की खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां एएसआई पर देर रात जानलेवा हमला हुआ था, वहां से गुजर रहे लोगों ने उन्हें लहूलुहान हालत में अस्पताल पहुंचाया, गंभीर हालत में वेंटिलेटर पर रखा गया था और ताजा अपडेट के मुताबिक अब उनकी मौत हो चुकी है। और अब आपको सुजालपुर की खबर बताते हैं, जहां पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पुलिस कर्मियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कार्यकर्ताओं का कहना है कि पुलिस कर्मियों ने महिला के साथ जाति सूचक शब्दों का उपयोग कर मारपीट करने का आरोप लगाया। इसके साथ ही बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने थाने का घेराव किया। इस पूरे घटनाक्रम की सूचना लगते ही एसडीओपी संदीप मालवीय ने थाने पर पहुंचकर कार्यकर्ताओं को समझाइश देते हुए पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने का आश्वासन दिया। शुजालपुर की खबर आप देख पा रहे हैं, जहां पर हम बात कर रहे हैं पुलिस कर्मियों ने जो महिला के साथ मारपीट की, जाति सूचक शब्दों का उपयोग किया गया था और इसके साथ ही पुलिस कर्मियों ने महिला के साथ मारपीट की है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने इस मामले में थाने का घेराव किया। पूरे घटनाक्रम की सूचना जैसे ही एसडीओपी को लगी, संदीप मालवीय एसडीओपी हैं, उन्होंने थाने पर पहुंचकर कार्यकर्ताओं को समझाइश दी और मामले पर निष्पक्ष जांच कराने का आश्वासन भी दिया। पुलिसकर्मियों पर गंभीर आरोप लग रहे हैं और ये आरोप लगाने वाले विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं। उन कार्यकर्ताओं का कहना ये रहा कि पुलिसकर्मियों ने महिला के साथ जाति सूचक शब्दों का उपयोग करते हुए मारपीट की है। जो आवेदन दिया गया उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आवेदन में सब बातें स्पष्ट लिखी हुई हैं। दोनों पुलिस वालों के विरुद्ध उचित कानूनी कार्रवाई करने की बात लिखी गई है। यह आवेदन विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने दिया है। और हमारे साथ सुजालपुर से हमारे खबर भारत के संवाददाता पिंटू सोनी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। पिंटू, जिस तरह से खबर है, कौन है ये महिला और क्या कारण रहा होगा कि पुलिस कर्मियों ने जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया, मारपीट की महिला के साथ? जी पिंटू। हेलो। जी पिंटू, पिंटू आवाज पहुंच रही है आप तक?
पिंटू आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? हम एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। मामला गंभीर है, ये जानना है कि आखिर वो महिला कौन है, पुलिसकर्मियों ने किस कारण से जाति सूचक शब्दों का उपयोग करते हुए उस महिला के साथ मारपीट की थी। हम दोबारा हमारे संवाददाता पिंटू सोनी है सुजालपुर जिनकी ये खबर है, जिन्होंने इस खबर को स्टूडियो तक पहुंचाया है और ये जरूर जानना चाहेंगे कि आखिर मामला आगे कहां तक बढ़ा, पुलिसकर्मियों पर भी क्या कार्रवाई होगी। हमारे साथ जुड़े हैं एक बार फिर से पिंटू सोनी, हम चर्चा करेंगे, इस पर जानकारी लेंगे। पिंटू समुदाय के किसी बात को लेकर आपस में बहुत पारिवारिक विवाद हो गया था, बहुत बड़ा विवाद हो गया था। हाँ। इसका बीच बचाव करने वहाँ के जो निकलता भी है वो समझाइश के तौर पर दोनों पक्षों को समझाने के लिए वहाँ पर गए थे, लेकिन मामला चूंकि इतना बढ़ गया था कि पुलिस को वहाँ पर बुलाना पड़ा। इसी दौरान जैसे ही पुलिस गई तो जो सामाजिक कार्यकर्ता इस बीच बचाव के लिए गए थे उनका आरोप है कि पुलिस ने उनके साथ अभद्रता की, मारपीट की, और उसी दौरान वहां पर एक महिला जो कि प्रेग्नेंट थी, गर्भवती महिला थी, उसके साथ भी मारपीट का आरोप बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने लगाया है। मैडम बिल्कुल क्या कहना है इस पर उन पुलिस कर्मियों का जिन पर आरोप लगाए गए हैं? पुलिस कर्मियों से बात हुई तो उनने सिर्फ इस बात का हवाला दिया कि हम एक समझाइश के तौर पर वहां पर गए हुए थे, हमने किसी भी प्रकार से कोई मारपीट नहीं की, परंतु जिस हिसाब से बड़ी संख्या में बजरंग दल के और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने थाने का घेराव किया और वहां नारेबाजी की, उससे स्पष्ट होता कि कहीं ना कहीं कुछ न कुछ मामला तो हुआ होगा। हालांकि यह घटना बहुत गंभीर हो गई, जब स्थिति गंभीर हो गई तो एसडीओपी जो अनुविभाग के अधिकारी है संदीप मालवी, उनको वहां पर थाने पर पहुंचना पड़ा। उन्होंने बीच बचाव करके समझाइश दी है बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को कि जो भी कुछ मामला है उसकी निष्पक्ष जांच करवाई जाएगी और जांच के बाद जो भी निष्कर्ष निकल के आते हैं अगर पुलिस कर्मियों ने इस तरह की कोई अभद्रता की होगी तो उस पर निश्चित तौर पर कार्रवाई का आश्वासन उन्होंने दिया है। उसके बाद ही कहीं ना कहीं बजरंग दल के और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने अनुविभागीय अधिकारी को अपना एक आवेदन दिया है और उन्होंने इस बात की चेतावनी दी कि अगर वास्तविक स्थिति जानने के बाद भी अगर पुलिस कर्मियों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई तो वो आगे एक उग्र आंदोलन करेंगे, क्योंकि जिस हिसाब से बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का कहना है कि पहले भी इस तरह के कृत्य पुलिसकर्मी कर चुके हैं, पहले भी जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करके या इनके साथ कर चुके हैं, उसकी शिकायत उनने पूर्व में एसपी से भी की थी, स्थानीय अनुविभागीय अधिकारी से भी की थी, परंतु वह घटना काफी पुरानी है और उस दौरान भी उक्त पुलिसकर्मियों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई, तो उनका सीधा सीधा आरोप है कि इस बात को लेकर ही पुलिसकर्मियों का इतना हौसला बढ़ गया है कि उन्होंने इस घटनाक्रम की पुनरावृत्ति की है, मतलब फिर से बजरंग दल के कार्यकर्ताओं से बदतमीजी की और गाली गलौज की। क्या महिला का क्या कहना, क्या महिला के बयान सामने आ पाए हैं? महिला ने स्पष्ट रूप से अभी कुछ भी इस बारे में कहा नहीं है, परंतु जिस हिसाब से बजरंग दल के जो व्यक्तिगत कार्यकर्ता हैं, जिनके साथ ये पूरा मामला उपजा है, जिनकी वजह से ये कमल बागरी करके हैं, शायद ये उन्हीं के कोई रिलेशन में है महिला, जिसके साथ भी बीच बचाव करने के दौरान हो सकता है हत्यापाई हुई हो। कांति प्रिया जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया पिंटू जुड़ने के लिए तमाम जानकारियों के लिए। अभी हम जान रहे थे संवाददाता हमारे जुड़े हुए थे शुजालपुर से, हमारे संवाददाता पिंटू सोनी, जहां पर वो बता रहे थे कि किस तरह से मामला सामने आया था। विश्व हिंदू परिषद जब पूरी टीम ने कार्यकर्ताओं ने इस मामले को लेकर उनसे बहस की, इस मामले को आगे बढ़ाया, तब जाकर एसडीओपी ने आश्वासन दिया है, नहीं तो शायद मामला दब भी सकता था। तो इन कार्यकर्ताओं के सामने आने के बाद इस मामले पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया है। आपको बता दें कि पुलिस कर्मियों के द्वारा महिला के साथ मारपीट करने का यह मामला सामने आया है। एक बड़ा सा आवेदन जिसमें सारी बातों का उल्लेख किया गया है, हम इस वक्त स्क्रीन पर चला रहे हैं उस आवेदन को कि किस तरह से उग्र आंदोलन करने पर मजबूर होना पड़ेगा अगर उचित कार्रवाई नहीं की गई, कहना है विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं का। वहीं अगर हमारे संवाददाता की बात को माना जाए, जो जानकारी हम तक पहुंची कि जब उनसे पूछा गया पुलिसकर्मियों से, तो उन्होंने इस बात से इनकार किया है कि उन्होंने कोई मारपीट महिला के साथ नहीं की है। पुलिसकर्मियों पर जाति सूचक शब्दों के उपयोग के साथ मारपीट का मामला है।
शुजालपुर की एक खबर हम आपको बता रहे हैं, हम लगातार कुछ और अधिकारियों से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अभी ये जानकारी हमें तमाम जानकारी संवाददाता से मिल रही थी, जहां वो बता रहे थे कि मामला कैसे पहुंचा थाने तक और क्या था ये पूरा मामला। हम कोशिश कर रहे हैं, थाना प्रभारी या SDOP से हमारा अगर संपर्क होता है तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि उन पुलिसकर्मियों जिनके नाम का जिक्र किया गया आवेदन में, उनका क्या कहना था इस पर। लेकिन अधिकारियों से संपर्क नहीं हो पाया। हम आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं अब नैनपुर की इस खबर पर, जहां पिंडरई से ट्राइबल वेलफेयर एसोसिएशन के वरिष्ठ जिला अध्यक्ष नंद किशोर कटारे ने बताया कि पेंशन कर्मचारियों को जन समुदाय का सहयोग, जन समुदाय खुलकर पेंशन बहाली की मांग में समर्थन कर रहा है। वहीं होली पर शिक्षकों ने फाग गाकर विरोध दर्ज कराया। जी हां, होली के गीतों को फाग कहा जाता है और सरकार से जल्द ही पेंशन बहाल करने की फाग गाते हुए मांग भी की। पूरे मध्य प्रदेश में एक कार्यक्रम निर्धारित है, 23 तारीख को ब्लॉक स्तर पर धरना प्रदर्शन होगा, इसके बाद में 27 तारीख को जिला स्तर पर होगा और 3 अप्रैल को पूरे मध्य प्रदेश के सारे कर्मचारी सभी विभागों के इकट्ठे होकर और भोपाल में जंगी प्रदर्शन होने जा रहा है। और इस खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, जुड़े रहिएगा खबर भारत के साथ। नमस्कार।